नमस्कार, स्वागत है आपका मुकाम कार्यक्रम की तीसरी पायदान पर। बात करेंगे अलवर के पर्यटन की, तो अलवर में पर्यटन के विकास की विपुल संभावना है। अलवर में खनिज भी पर्याप्त विपुल मात्रा में उपलब्ध है, और अगर हम शिक्षा और शिक्षा से जुड़े रोजगार की बात करें तो ये अवसर भी अलवर में विपुल मात्रा में उपलब्ध है। अलवर में और भी बहुत सारी संभावनाएँ विपुल मात्रा में हैं, या अगर हम उद्योगों की और उद्योगों के विकास की बात करें तो वो संभावनाएं भी विपुल मात्रा में मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे आज मैं बार बार ये विपुल का शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आज विपुल भी हमारे मुकाम पर है, नहीं समझे? दरअसल आज हमारे कार्यक्रम में अलवर के विपुल जी, विपुल सिंगल, जो अभी हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा में, भारतीय वन सेवा में चयन आपका हुआ है, वो हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित है। तो स्वागत है विपुल जी आपका। नमस्ते। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा। आपसे पहले मुकुल जैन जी, जो अभी हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा में, उनका चयन हुआ, वो इस कार्यक्रम में पहली पायदान पर थे। पहली पायदान मतलब कि सबसे पहले मेहमान थे। देन निधि गोयल जी आई और आज आप हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अलवर में जो प्रतिभा है उसकी भी विपुल संभावना है, क्योंकि आपका नाम विपुल है, और बहुत अच्छा लगा। विपुल का मतलब है शक्तिशाली, बहुत कहना चाहिए कि उनके अंदर जो गुण हैं, जो भी पावर है, वो बहुत आयत मात्रा में है। आप क्या मानते हैं विपुल सर? बिल्कुल, और पावर के साथ साथ एस्पिरेशंस जो हैं वो भी विपुल मात्रा में, विपुल मात्रा। तो मेरा भी यही मानना है। आपका भी मानना। विपुल जी, आपके बारे में, दरअसल हमारा जी मुकाम कार्यक्रम है, हम इसमें हमारे जितने भी आप जैसे यंगस्टर्स हैं, जो जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और वो एक मुकाम उन्होंने बहुत जल्द हासिल किया है, वो भले कितने ही प्रयास में किया हो वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वो अपनी एक मंजिल पर, एक उन्होंने एक पड़ाव हासिल किया, एक मुकाम हासिल किया। और इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं, जो युवा हैं, वो आपसे प्रेरणा लें और वो अपने करियर में आज तक जो मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं, जो स्ट्रगलर हैं, उनको कोई दिशा मिल जाए आपसे बातचीत करके, तो हमारे कार्यक्रम की वो सफलता होगी। तो आपकी बात हम शुरू करते हैं स्कूलिंग से। आपकी स्कूलिंग कहाँ की हुई? जी सर, मैंने स्कूलिंग अपनी हैप्पी पब्लिक स्कूल अलवर से की है। अच्छा। मेरा 10th तक हैप्पी पब्लिक स्कूल में ही रहा है। उसके बाद मैंने कोटा से की है अप टू 12th। अप टू 12th। स्कूलिंग कैसी रही आपकी? कैसे आप स्टूडेंटों में आपकी गिनती थी? एवरेज, इंटेलिजेंट, या और भी उससे ऊपर? सर, मैं अपने आप को अबव एवरेज मानूंगा, इंटेलिजेंट तो नहीं बोलूंगा। अच्छा। मैं अराउंड टॉप 5 में आ जाता था क्लास में। जी जी जी। और मैं मैथमेटिक्स में मेरी काफ़ी रुचि थी, और सोशल साइंसेस जो विषय हैं उनमें मैं थोड़ा एवरेज था। अच्छा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, इनमें। साइंस में? सर, साइंस में अच्छा था मैं, मैथ्स में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनमें अच्छा था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनमें मैं एवरेज स्टूडेंट था। और 12th में फिर आपने साइंस लिया? यस सर, साइंस लिया, PCM लिया था मैंने। अच्छा, PCM लिया। यस सर। और वो सीधा ही आप कोटा चले गए? यस सर। वहीं से आपने 12th किया? यस सर। क्या उसमें क्या स्थिति रही आपकी? सर, मैंने IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए कोटा गया था जी, और वहाँ 2 साल पढ़ाई की, और उसके बाद IIT JEE में मैंने अराउंड 1300 रैंक सिक्योर की थी, और उसके बाद मेरे को IIT रुड़की मिला था, वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। तो फिर इंजीनियरिंग करने के बाद फिर कोई चांस वैसे नहीं लिया आपने? सर, इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया था, मैंने अपना इलेक्ट्रिकल जो कोर फील्ड है उसको भी काफ़ी एक्सप्लोर किया, मैंने कोडिंग भी की थी जिसकी आजकल काफ़ी डिमांड है मार्केट में। जी जी जी। और मैंने, मेरे कुछ सीनियर्स भी थे जो इन सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो उसके साथ ही मेरा फिर उधर की तरफ रुझान हो गया आपका। स्कूल में आप टीचर्स के चाहते थे? सर, मैथ्स टीचर्स के आप
चाहते थे, लेकिन हिस्ट्री और जो सोशल साइंसेज वाले सब्जेक्ट हैं उसमें इतने नहीं थे सर। और एजुकेशन स्टडीज इसके अलावा और कोई हॉबीज आपकी स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में या ट्वेल्थ में? सर शुरू से ही मेरे को स्पोर्ट्स खेलना काफ़ी पसंद है। स्कूल में मैं क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलता था और कॉलेज में मैंने फुटबॉल काफ़ी ज़्यादा खेला है। कितना टाइम, मैं अगर एक जो हमारे दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूँ, आप कितना टाइम दिया करते थे खेलों को, स्पोर्ट्स को? सर कॉलेज में अराउंड 2 to 3 hours हमारी प्रैक्टिस रहती थी फुटबॉल में, और इतना टाइम चला जाता था। फिर आपने कॉलेज शिक्षा कहाँ से की फिर? सर कॉलेज आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की से? हाँ सर, आपने आईआईटी रुड़की से किया, तो वहाँ भी कॉलेज की तरफ से भी स्पोर्ट्स वगैरह पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है? यस सर, कॉलेज की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, आपका स्टडी, आपके प्रैक्टिकल्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर भी फुल फोकस रहता है। कोई मज़ेदार बात कॉलेज की या स्कूल टाइम की आपके लाइफ की? सर कॉलेज टाइम की रही है, फुटबॉल वगैरह में हमारा लास्ट मैच चल रहा था फाइनल, और उसमें पेनल्टी था लास्ट में जी, और जी। वो मेरा ही नंबर था पेनल्टी लेने का, और वो मिस कर दिया था। अच्छा, तो ये काफ़ी एक अभी तक मूवमेंट है जो याद रहता है, याद रहता है मूवमेंट। तो दोनों चीज़ें हैं, कुछ हम मिस कर जाते हैं तो वो भी याद रहता है, और कुछ अचीव कर लेते हैं तो वो भी याद रहता है। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। विपुल जी, एक बात जो मैं अक्सर आप जैसे युवाओं से मैं बात करता हूँ, तो 21वीं सदी का जो युवा है वो क्या सोचता है? मतलब होता क्या है कि एक जनरेशन गैप है अपनी सोसाइटी में ना, अपने परिवार में भी देखें तो उस कारण से जो बड़े लोग हैं आयु में, उम्र में, वो लोग जनरेशन गैप को समझ नहीं पाते। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो 21वीं सदी का जो युवा है, सबसे पहले तो वो अपने बारे में क्या सोचता है, सोसाइटी के बारे में क्या सोचता है, अपने करियर के बारे में क्या सोचता है, वो क्या चाहता है, उसका मन क्या है, किस तरह से क्या अचीवमेंट चाहता है? सर जो 21st century का युवा है वो डिफरेंशिएटिंग चीज़ जो है वो आज के टाइम में डिजिटल टेक्नोलॉजी है। तो काफ़ी कनेक्टेड है YouTube से और सोशल मीडिया से, तो वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर है अबाउट एवेन्यूज़ कि क्या क्या एवेन्यूज़ है लाइफ में, तो वो उनको शुरू से ही देखता आता है जो उसको चीज़ें पसंद है, तो वो अपने पैशन जो है उसको फॉलो करना चाहता है। और आजकल मिडिल क्लास की इनकम भी बढ़ रही है जी, तो पेरेंट्स भी अफोर्ड कर सकते हैं कि बच्चे अपना पैशन फॉलो कर सकें। पहले के टाइम में तो जॉब लेने का ज़्यादा रहता था कि मिडिल क्लास का इनकम उतना रहता नहीं था, तो जो आजकल का युवा है वो अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है। और अगर हम उसके पैशन की बात करें तो उसका पैशन क्या? सर वो तो अपने इंडिविजुअल को खुद ही अपना एप्टीट्यूड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और ये आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो किसी दूसरी फील्ड में जाता है तो वहाँ वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितना जहाँ उसका एप्टीट्यूड है वहाँ कर पाएगा। सो ये आइडेंटिफाई करना काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। दरअसल मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ विपुल जी आपसे, क्योंकि जो हमारा युवा है वो भ्रमित है। मैं ये तो नहीं कहता कि हमारे देश में युवा को, युवा शक्ति को लेकर के कोई अच्छी प्लानिंग नहीं है। जो भी लोग रहे उन्होंने अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, अपनी योग्यता और कुशलता के हिसाब से बहुत अच्छी प्लानिंग की है, लेकिन उसके बावजूद भी समय की जो रफ्तार है ना वो नहीं थम रही है, कि वो तो पहिया जो वक्त का है वो तो अनवरत चलता है। तो उसकी वजह से क्या है कि हमारी जो दौड़ है वो ओछी रह जाती है, समय आगे निकल जाता है, डिमांड आगे चली जाती है। तो आज रोजगार के क्षेत्र में भी हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल कि रोजगार के अवसरों की कमी है, लेकिन रोजगार के अवसरों की जो शक्ल है वो दिन ब दिन बदलती जा रही है, उसमें निरंतर कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है। जैसे अभी हम बात करें आईटी सेक्टर की, तो आज से 10-15 साल पहले आईटी सेक्टर के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं था, लोग नहीं जानते थे ये क्या होता है। फिर युवा उस समय
इस सूचना क्रांति के पीछे दौड़ने लगे तो उससे और आगे दुनिया और आगे चलती चली गई। मुझे याद है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था अपने देश के युवाओं को समझाते हुए कि जागो नहीं तो भारतीय आ जाएंगे और आपकी नौकरियों पर कब्जा कर लेंगे। तो ये तो निश्चित रूप से है कि हमारे देश के युवा में टैलेंट की कमी नहीं है, उससे हमारे जो दूसरे मुल्क हैं वो भी घबराते हैं। लेकिन फिर भी क्या बात है कि हमारा युवा एक सही दिशा नहीं पकड़ पाता, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या उसकी वजह आपको लगती है कि हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि, मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक समस्या आपके सामने रख रहा हूँ। हो ये रहा है कि आज हमारे युवाओं को दिशा बताने वाला कोई नहीं है ना। हर कोई अपना अनुभव तो बांट लेता है, उसको शिक्षा दे देता है, उसको उपदेश देता है, लेकिन उसको रास्ता नहीं दिखाता, अपना अनुभव शेयर करता है। और फिर इस कारण से युवा ये डिसाइड ही नहीं कर पाता कि उसे किधर जाना। अच्छा, आजकल बहुत सारे टेस्ट आ गए हैं मार्केट में, तो वो लोग अपने स्वार्थ के हिसाब से उन टेस्टों से युवाओं को और दिग्भ्रमित कर देते हैं कि साहब ये वाला टेस्ट है, आपका बच्चा 10th के बाद 12th में ये सब्जेक्ट लेना है। एक उसको टेस्ट बताया, उस टेस्ट में वो बच्चा बैठता है, फिर उस समय की जो परिस्थिति है उसके अनुसार वो बात करता है, फिर वो निष्कर्ष देते हैं, बच्चा उस लाइन में चल देता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन तमाम चीज़ों के चलते आप क्या समझ पाते हो कि युवा को क्या करना चाहिए? सर, इसमें फर्स्ट थिंग जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक मेंटर की तलाश करनी चाहिए, और जो वो मेंटर हो वो इस चीज़ों से गुजरा हुआ हो, उन्होंने भी अपना एक रूट फाइंड किया हो और वहाँ पे सक्सेस हासिल की हो, तो फिर उनको काफ़ी ज़्यादा जानकारी रहती है कि तमाम क्षेत्रों के बारे में कि कहाँ कहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो एक वो मेंटर का होना बहुत अनिवार्य है, और मेरे भी काफ़ी मेंटर्स रहे हैं कॉलेज में भी और उससे पहले भी स्कूल्स में भी, तो एक अच्छा गाइडेंस शुरू से ही मिलता रहा है। तो वो एक मेंटर कोई भी हो सकता है, ये आपका इंटरनेट के थ्रू भी मिल सकता है या आपका कोई जानने वाला भी हो सकता है, तो एक इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और एप्टीट्यूड के बारे में जैसा आपने बताया, हाँ, कि एप्टीट्यूड टेस्ट एक लिमिट तक ही बता सकते हैं, हाँ, वो कोई ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। आदमी उस समय किस मूड में है, यस सर, किस तरह से है, प्रेशर में है, प्लेजर है उसको या उसको सैडनेस है, वो उस हिसाब से उस पर डिपेंड ज्यादा करता है। ये इंडिविजुअल को खुद को ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लें, इंट्रोस्पेक्शन करें और उसके बाद खुद ही डिसाइड करें कि कहाँ पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं और कहाँ नहीं कर पा रहे हैं, उसी हिसाब से फील्ड डिसाइड करें। अच्छा, एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, हालांकि क्वेश्चन तो आपके मम्मी पापा से पूछना चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको कब लगा या आपके मम्मी पापा को कब लगा कि विपुल में विपुल संभावना है? सर, आई थिंक जेई रैंक आने के बाद लगा। अच्छा, जब आई थी जेई 1300 रैंक आई थी, तो उसके बाद उनको लगा कि आप कुछ बेटर। कॉन्फिडेंस तो शुरू से ही रहता है, आप में भी कॉन्फिडेंस आया, मम्मी पापा में भी कॉन्फिडेंस आया। फिर आपने आपकी लाइफ का मैं टर्निंग पॉइंट इसी को ही मानूं? यस सर, एक ये टर्निंग पॉइंट जरूर रहा है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गई। यस सर। फिर आप सिविल सर्विसेज की तरफ आपने कदम बढ़ाया, वो कैसे? सर, कॉलेज में मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया है। कॉलेज में जस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो मेरा ब्रांच था, जी जी, उसके अलावा भी मैंने काफ़ी चीज़ें की हैं, रिसर्च भी किया है मैंने और प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं और कोडिंग भी की है, जो आजकल काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। और सिविल सर्विसेज जो मेरे एक दो सीनियर्स भी निकले हुए हैं इस एग्ज़ाम में, तो उनका वर्क भी देखा है कि वो कैसे ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं। तो इतना काफ़ी एक्सप्लोर करने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया था, फोर्थ ईयर में डिसाइड किया था कि मैं भी सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊँगा। कोई इंस्पिरेशंस आपके इस सिविल सर्विसेज की तरफ आने के लिए? वो आपके फ्रेंड्स? यस सर, फ्रेंड्स भी रहे हैं और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं जिनको मैंने फॉलो किया है ट्विटर पे। किनको आइडियल मानते हैं? सर, आइडियल तो मैं अपने पेरेंट्स को ही मानता हूँ मेरे लिए। नहीं, अब जैसे आप सिविल सर्विस, सिविल सर्वेंट, तो सर रमेश पांडे सर। अच्छा। वो अभी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट हैं। ट्विटर पे काफ़ी मैंने उनको फॉलो किया है और उनसे काफ़ी सीखने को मिला है। तो आपने फिर वन सेवा की तरफ, जैसे आपका चयन हुआ वन सेवा के लिए, तो ये आप दिल से चाहते थे?
सर इसका जो है कॉलेज के लास्ट तक मेरे को इसका आइडिया नहीं था सर्विस का। अच्छा। अपन जो है आईएएस आईपीएस इसके बारे में ही ज़्यादा आइडिया जी, रहता जी, है, जी, जी। तो मेरा रुझान नेचर के प्रति कॉलेज से ही डेवलप हुआ था क्योंकि उत्तराखंड में काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने की, मैंने ट्रैवल भी काफ़ी किया है वहाँ पे, तो उसके ट्रैवलिंग के थ्रू मेरे को जो है लगाव डेवलप हुआ है नेचर के प्रति। नेचर के प्रति तो मेरे को आइडिया फोर्थ ईयर में नहीं था कॉलेज में, जब मैंने सिविल सर्विसेज की स्टार्ट की प्रिपरेशन तब मुझे पता लगा कि भारतीय वन सेवा भी एक, परीक्षा है जिसके थ्रू आप इसके थ्रू एंटर कर सकते हो, तो फिर मैंने उस परीक्षा की भी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो वन सेवा की परीक्षा में आपने क्या किस की, कौन सी रैंक हासिल की थी? सर इस साल मैंने रैंक 20 हासिल की है। वेरी गुड। और अब आपका अगला मुकाम क्या है? सर अगला मुकाम, वैसे तो मैं इस सर्विस से काफ़ी कंटेंट हूँ जी, लेकिन मैं जिस ड्रीम के साथ आया था, स्टार्ट किया था आईएएस के लिए, तो उसके लिए एक अंतिम प्रयास करना चाहता हूँ जी, तो वही मेरा अंतिम मुकाम रहेगा। हमारी शुभकामनाएं, आपका वो प्रयास निश्चित रूप से सफल हो। तो मैं ये कह रहा था कि इस मुकाम तक आते आते मैं, क्योंकि हमें ये जो शो है ये उन युवाओं के लिए करते हैं जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो आपसे प्रेरणा लें। आपको अपने साथ जितने भी आपके साथी रहे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनमें और आप में क्या फ़र्क नज़र आया? मतलब आप इस पैमाने से आप बताएं कि आपकी तैयारी में और उनकी तैयारी में आपको कितना अंतर और कैसा अंतर नज़र आया? सर एक तो कंसिस्टेंसी का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि आप रोज़ जो है 6 to 7 hours आपको देना है, तो एक ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है, टाइम जो है वो टाइम रहता ज़्यादा है ज़्यादा जी सर। और एक आपको स्ट्रेटेजी भी अपनी कैसे बनानी yes, है वो yes. बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिससे कि वो भी, उनको भी टारगेट अचीव हो जाए। सर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, क्योंकि अच्छा। आप कितना भी कंटेंट पढ़ लीजिए, अगर आप जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब का कंटेंट नहीं पढ़ते हैं तो फिर वो कुछ फ़ायदा नहीं है जितना भी आपने पढ़ा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आप पढ़िए और एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। अच्छा। कोचिंग का आप यूज़ एक ओवरव्यू लेने के लिए कर सकते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज में इन डेप्थ प्रिपरेशन ज़रूरी है और वो एनसीईआरटी से ही होगी, तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए किसी कोचिंग की सहायता ली या सेल्फ स्टडीज? सर मैंने 1 year की थी कोचिंग और एक ओवरव्यू मिल गया था उससे, क्योंकि मेरे सोशल साइंसेज वाले जो सब्जेक्ट थे उसमें मैं काफ़ी पुअर रहा हूँ स्टार्टिंग से, तो उसके लिए मैंने की थी, ओवरव्यू ले लिया था। फिर उसके बाद मैंने खुद से ही इन डेप्थ स्टडी की है बुक से, और सर जो रियल नॉलेज मिली है वो उसी चीज़ से मिली है, इन डेप्थ रीडिंग से। अच्छा अच्छा तो रीडिंग के लिए क्या चीज़ें चयन करना चाहिए? सर बेसिक एनसीईआरटी बुक और स्टैंडर्ड्स बुक है सर जो सिविल सर्विसेज की, सिविल कुछ सर्विसेज स्टूडेंट्स को पता होंगी वो, और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके जो साथी रहे जो आप, उनको आप हेल्पफुल भी मानते हैं क्या? सर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं वो, एक तो काफ़ी मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को। सेकंड कंसिस्टेंसी बनी रहती है, आप रोज साथ में प्रिपरेशन करते हो तो डिस्कशन भी चलता है, और थर्ड आप इम्प्रूव भी होते हो क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स में आप वीक हो कुछ सब्जेक्ट्स में वो वीक है, तो एक दोनों साथ में प्रिपरेशन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। ऐसा बोलते हैं कि 1 + 1 = 11, यस, तो उसी हिसाब से इम्प्रूवमेंट आता है। अच्छा मैंने जब मुकुल जी से और निधि जी से बात की थी तो एक कॉमन बात निकल करके आई थी, वो मैं आपसे भी क्लेरिफाई कर लूँ, वो ऑडियो बुक्स उन्होंने ज़्यादा पढ़ी हैं, तो आप भी ऑडियो बुक्स का इस्तेमाल करते हैं? सर ऑडियो बुक्स का मैंने कम इस्तेमाल किया है। आपने कम किया? मैंने बुक्स के थ्रू ही रीडिंग करके ही किया है। एक बात जो मैं हर एक से पूछता हूँ और वो बात मैं आपसे भी पूछूंगा कि एक विपुल तो वो हैं जो हमारे सामने बैठे, यस सर, और एक वो विपुल हैं जो विपुल के अंदर हैं, यस, वो कैसे विपुल हैं और कौन से विपुल हैं और वो क्या सोचते हैं और क्या पावर है उनकी? सर मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। अच्छा। मेरा एक ये बकेट लिस्ट में भी है कि सारे स्टेट्स में जाऊं
और उनके जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लोकेशंस है उधर ट्रैवल करूं। तो अभी मेरे को उत्तराखंड का ही अपॉर्चुनिटी मिला है ट्रैवल करने का, और वो मैंने काफ़ी किया है, ओली, मसूरी, ऋषिकेश। तो यही मेरा अभी एक, तो मतलब हम ये माने कि विपुल को अपने मन की ही जॉब मिल गई, मन का ही जो काम था जिसको वो एंजॉय कर सकते हैं, फुली सेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि वो प्रकृति से प्रेम करते हैं। यस सर, वेरी गुड। ये बहुत कम होता है, अदरवाइज ये होता है कि लोगों को अपनी इच्छा के विपरीत काम मिल जाता है, तो फिर वो उनको ना तो जॉब सेटिस्फेक्शन होता है और ना ही वो उसके साथ न्याय कर पाते हैं। तो उम्मीद है आप उसके साथ काफ़ी न्याय कर पाएंगे। एक और बात मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे आपने बी किया है इलेक्ट्रिक में, आपने किया, यस सर, आपने कोडिंग भी किया है, यस, यानी मल्टी डायमेंशंस में आपने काम किया है, यस। इसमें अगर मैं आपको प्रायोरिटी बनाने के लिए कहूँ तो आप सबसे टॉप पर किसको रखेंगे? सर, मैं अपनी कोर ब्रांच को ही रखूँगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो मैंने 4 साल की है, तो वही मेरे फेवरेट भी है। तो उसको जब आप अपनी सर्विसेज में आएंगे तो उसको उस जगह कैसे अप्लाई करेंगे? मैं ये बात इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि हम क्या है कि पूरी लाइफ में बहुत सारी नॉलेज गेन कर लेते हैं, लेकिन अक्सर होता क्या है कि उस ज्ञान का हम सही जगह पर सही प्रयोग नहीं कर पाते। लेकिन आपने अभी आपने बताया कि आप अपने कोर सब्जेक्ट को ही प्रायोरिटी पे लेंगे, तो आप इसका उस क्षेत्र में इस्तेमाल कैसे करेंगे? उसकी क्या आपने कोई प्लानिंग की है या आपने सोचा है कि इस नॉलेज को मैं इस जगह ऐसे इस्तेमाल करूँगा? सर, जो इंजीनियरिंग है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है अपने पास, जो फॉरेस्टर्स है उनकी कमी है थोड़ी, तो जो टेक्नोलॉजी है वो इस हिसाब से मल्टीप्लायर इफेक्ट कर सकती है। जैसे एक चीज़ होती है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इंफ्रारेड सेंसर्स, तो आप क्या कर सकते हैं कि आजकल की जो प्रॉब्लम है कि एलिफेंट रेलवे कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो आप ट्रैक्स के पास वो सेंसर्स को लगा सकते हैं, और जैसे ही एलिफेंट आसपास आए तो वो सेंसर्स के थ्रू डायरेक्ट इंफॉर्मेशन रेलवे ड्राइवर्स को पहुंच जाए। वेरी गुड। देखो ये मतलब ये जो चीज है ना, ये मजा आता है कि मतलब हमने हमारी जो नॉलेज की उसका इस्तेमाल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात। तो आज इस कार्यक्रम में आप हमारे युवाओं को ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं जिससे उनकी राहें भी आसान हो जाए? सर, एक चीज़ तो ये रहेगी कि ये जो जर्नी है इसमें टाइम लगता है, मतलब निराश नहीं होना है। 2-3-4 अटेम्प्ट कॉमन है, मतलब ये लगते हैं, और डीमोटिवेट ना हो इस चीज़ से। सेकंड ये रहेगा कि इसको जस्ट नॉट एन एग्जाम, इट्स ऑल्सो ए जर्नी। तो आप जब तक एक लेवल पे नहीं पहुँचेंगे इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, इन टर्म्स ऑफ राइटिंग स्किल्स और नॉलेज, तो जब तक इसमें सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। तो आप इसको एक जर्नी की तरह लीजिए और अपने आप को इम्प्रूव करिए, तो उसमें मज़ा भी आएगा, आप खुद में सेल्फ इम्प्रूवमेंट देखेंगे तो, और वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह भी काम करता है। तो मेरा ये सलाह यही रहेगी। और इसके अलावा आप NCERTs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करें। कोचिंग मटेरियल थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, लेकिन सोलेली उस पर डिपेंडेंट रहना मेरे हिसाब से सही नहीं है। अच्छा, आपने इंटरव्यू भी फेस किया था इसमें? यस सर। उसकी कोई बात जो अलवर से रिलेटेड आपसे कुछ पूछा गया? सर, अलवर से रिलेटेड 2-3 चीज़ें पूछी गई थी। एक तो अबाउट सरिस्का टाइगर रिजर्व, कि 2005 में सरिस्का से टाइगर लोकली एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए थे। एक दूसरा पूछा गया था मंकी मीनेस के ऊपर, कि हमने देखा है कि घर में मंकीज आ जाते हैं और वो नर्सरीज वगैरह में पेड़ों को नुकसान पहुँचा देते हैं, तो एक उसके बारे में पूछा था कि उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो आपने क्या बताया? सर, मैंने ये बताया कि मंकीज की पॉपुलेशन तब बढ़ती है जब आप उसको आर्टिफिशियल फीडिंग करते हैं, तो जैसे बनानास वगैरह खिलाना, जब वो नेचुरली फूड फाइंड करते हैं तो उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है, क्योंकि नेचुरली फूड फाइंड करना मुश्किल है और फूड लिमिटेड अमाउंट में।
दूसरा एक इसका अनदर एग्जांपल पिजन्स का भी है, अलवर में तो इतना नहीं है लेकिन दिल्ली में इसकी बहुत समस्याएं हैं। उसमें भी यही रहता है कि लोग आर्टिफिशियल जो अपन फीडिंग करते हैं, दाना डालते हैं, उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इनकी पॉपुलेशन ग्रो करती है। अच्छा, और अगर हम नेचुरली इन फीड करने दें, नेचर पर छोड़ दें, तो फिर वो उसी हिसाब से ग्रो करती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है कि अपने जो दर्शक हैं उनको उनमें भी अब विपुल संभावनाएं जागृत हो गई होंगी आपसे बातचीत करके, और वो भी जल्दी से जल्दी अपने मुकाम पर पहुंचे। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका थैंक यू सर।